नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रद्द हुई ट्रेन तो यात्रियों को मिलेगा SMS अलर्ट। यदि यात्रियों की बुकिंग की गई निर्धारित ट्रेनें रेलवे द्वारा रद्द की जाती है तो उनके मोबाइल फोन पर अब उनकी ट्रेनों के रद्द होने के बारे में SMS अलर्ट मिलेगा। रेलवे ने एक पायलट परियोजना शुरू की है, लेकिन शुरुआत में यह सेवा केवल उन्हीं यात्रियों को उपलब्ध होगी जो ट्रेनों में वहां से सवार होंगे जहां से ट्रेन शुरू होती है। इस सेवा का बाद में विस्तार किया जाएगा तथा मार्ग में पड़ने वाले स्टेशनों को भी इस सेवा में कवर किया जाएगा। यात्रियों को उनके उस मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा जिसे उन्होंने PRS काउंटर से टिकट खरीदते समय आरक्षण पर्ची में भरा हो या ऑनलाइन ई टिकट खरीदते समय दिया हो। यात्रियों को किसी असुविधा से बचने के लिए उन्हें उनकी बुकिंग कराई गई निर्धारित ट्रेन के रद्द होने की अग्रिम जानकारी दी जाएगी ताकि समय पर वे अपनी वैकल्पिक योजना बना सके। रिजर्व बैंक ने बढ़ाई नोट बदलने की तारीख। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2005 से पहले के करेंसी नोटों को बदलने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2015 कर दी। जिन नोटों को बदला जाना है उनमें 500 रुपए व 1000 रुपए के नोट भी शामिल है। पहले यह सीमा 30 जून थी। 2005 के पहले के नोट को पहचानना आसान है। 2005 के पहले जारी करेंसी नोट के उल्टी तरफ प्रकाशन वर्ष नहीं है। वही 2005 के बाद छपे नोटों में उल्टी तरफ प्रकाशन वर्ष छपा है। भारी बारिश के कारण रुकी चार धाम यात्रा। भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। अधिकतर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मंदाकिनी नदी पर बना हुआ एक महत्वपूर्ण पुल भारी बारिश के चलते बह गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं गुजरात में भारी बारिश और इसके कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के कारण मरने वालों की संख्या 70 हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में भी झेलम नदी खतरे के निशान से करीब 2 फुट ऊपर बह रही है।